मैं आप सभी का दोस्त दीपक और आज की इस वीडियो में आप सभी को हम दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी बलिया का शहर और मार्केट। यानी कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें, जैसे कि आप सभी को पता है कि शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन चल रहा था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन संडे का दिन यानी कि रविवार है बंदी का दिन। और जैसे कि रविवार को लॉकडाउन लग रहा था लेकिन लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन जो आपके बलिया शहर में जो साप्ताहिक बंदी रहता है वो अभी आपके बलिया शहर में देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरा बलिया शहर का मार्केट दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं और आज के डेट में यानी कि 13 सितंबर के डेट में बलिया का क्या हालात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश यूपी बलिया के शहर में और बलिया का ये मेन मार्केट है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसे कि बलिया से शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन रह रहा था वो लॉकडाउन समाप्त हो गया है, लेकिन बलिया में जैसे कि जो पहले से चलता आ रहा है जो सिस्टम पूरे उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी जो आता है, मतलब कि साप्ताहिक बंदी रहता है रविवार को, वो रविवार को साप्ताहिक बंदी आपको देखने को मिल रहा है बलिया शहर में। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बलिया का मेन शहर है, अभी छोटे बड़े सभी प्रकार के दुकान साप्ताहिक बंदी है और साप्ताहिक बंदी में आपको सभी प्रकार के दुकानें जो है कि देखने को मिल रहे होंगे बंद। और देख सकते हैं कि अभी सारी दुकान बंद है, लेकिन आपको हम बता दें जो डेली बेसिस पे खोलने वाले जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, जैसे कि ठेले वगैरह पे जो शॉप खोले जाते हैं खाने पीने के हो या कपड़े की रेडीमेड वगैरह की हो, सभी प्रकार के दुकानें ठेले पे खुला हुआ है, लेकिन अभी साप्ताहिक बंदी है। और ये हजारी अन्ना हजारी गली है जो अभी पूरी तरीके से बंद है, थोड़ा बहुत खुला हुआ है और इनमें सभी कपड़े और रेडीमेड वगैरह का दुकान है। और ये मेन मीना बाज़ार का दुकान है, ये मीना बाज़ार का जो रास्ता सामने आता है गली, और सब बंद है सभी प्रकार के देख सकते हैं। और ये मेन ये आपका इस रास्ता चला जाता है स्टेशन के तरफ, और अभी यहाँ पे ठेले पे दुकान लगा हुआ है और सभी दुकान बंद है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप है इधर, लक्ष्मी मार्केट जिसे बोलते हैं, उसका सामने में जो भी मार्ट है वो खुला हुआ है और ठेले वगैरह जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं वो उस टाइप की दुकानें सभी प्रकार के खुले हुए हैं। और ये आपके मार्केट की तरफ कासिम बाज़ार की तरफ चला जाता है रास्ता, जहाँ पे आप देख रहे हैं सभी गाड़ियों का आगमन जारी है। चौक है मेन, बर्तन वगैरह की भी दुकान संडे के दिन खुला हुआ है, लेकिन उतना दुकान नहीं कह सकते हैं जितना खुलना चाहिए, पूरी तरीके से ओपन और पूरी तरीके से नहीं खुला हुआ है। और जो भी अभी कपड़े का दुकान वगैरह मसाले वगैरह का दुकान भी इधर भी आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे जो सभी प्रकार के खुले हुए हैं। ठेले पे जो ठेले पे डेली बेसिस का बेचने वाले जो सामान है लोगों का खुला हुआ है। और ये आपका लोअर पट्टी की तरफ चला जाता है रास्ता मेन, और ये आपका चला जाता है महावीर घाट दुर्गा मंदिर की तरफ रास्ता। तो दोस्तों ये बलिया शहर का चौक और ये लोहर पट्टी की तरफ रास्ता जाता है, जो अभी सभी प्रकार के दुकान जो आप देख रहे हैं बंद है। और लोहर पट्टी में सभी प्रकार के सामान आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड और घर के जो भी कार्य वगैरह है, आपको करकट वगैरह लोहा लकड़ से रिलेटेड हर प्रकार के सामान मिलते हैं लोहर पट्टी। और आज पूरी तरीके से संडे 13 अगस्त यानी कि बंद है, और आप देख सकते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी प्रकार के दुकान बंद है और ये बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे सब्जी वगैरह का मार्केट भी शाम को लगता है, लेकिन सभी प्रकार का भी दुकान आपको बंद दिख रहे होंगे। ने देखा कि उत्तर प्रदेश यूपी बलिया शहर किस तरीके से संडे के दिन बंदी है और आज के दिन साप्ताहिक बंदी है, जैसे कि बलिया में चलते आ रहा है यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलते आ रहा है साप्ताहिक बंदी, वैसे आज साप्ताहिक बंदी है और लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। जो शनिवार रविवार को लग रहा था वो तो बंद कर दिया गया, लेकिन साप्ताहिक बंदी से जो छोटे बड़े दुकान बंद किए गए, लेकिन जो ठेला वगैरह पे यानी कि डेली बेसिस पे जो लोग कमाने खाने वाले हैं उनकी दुकानें खोले जा रहे हैं डेली बेसिस, क्योंकि अगर नहीं खोलेंगे तो कैसे कमाएंगे। तो आप सभी का क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।